जीजाबाई ने अपने पांव छत के साथ बंधवा दिए, ऐसा जैसे कोई विपरीत करनी या सर्वांगासन करे, तो उस तरह उसने अपने पांव छत पर बंधवा दिए। प्रसव पीड़ा शुरू हो गई, लेकिन वो कहती मैं जन्म नहीं दूंगी जब तक वो उचित मुहूर्त पल नहीं होगा। प्रसव पीड़ा सहती रही, प्रसव की वेदना सहती रही, बालक जन्म लेना चाह रहा है, मां कहती मैं जन्म ही नहीं दूंगी। और उसके सहचरियां, उसकी दासियां ने जब संकेत किया कि अब हुआ वो मुहूर्त वो पल, जीजाबाई ने अपने पैर खुलवाए और बच्चे को जन्म दिया। क्योंकि वो जो पहली श्वास बच्चा लेता है, वो जिस मुहूर्त जिस पल पर हुआ, ये उसके आने वाले समय को प्रभाव देगा। इसलिए जन्म का जो देश और काल, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस एंड एग्जैक्ट टाइमिंग इट वर्क्स। अब आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छा ऐसे कोई और औरत पूछ ले कि ये अच्छा वाला मुहूर्त पल है तो वो भी अपने पैर ऐसे बंधवा ले। वो हर औरत जीजाबाई नहीं है। हर औरत जीजाबाई नहीं है। जीजाबाई जैसी संकल्प, जीजाबाई जैसी सोच, जीजाबाई जैसी तपश्चर्या, वो कुछ मौका लेना ही नहीं चाहती है कि जहाँ कुछ गलती होवे। और जितने समय वो गर्भस्थ रही हैं, कहते हैं उतने समय पर उसकी मंत्र साधना चलती रही है, साधनाशील रही हैं वो। आज दुर्भाग्य है भारत की स्त्रियों का कि वो ये विज्ञान भूल चुकी हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है कि गर्भवती हुआ कैसे जाता है। उन्हें पता ही नहीं है कि बच्चे के जन्म का क्या महत्व होता है, जिस समय जन्म होता है उसका क्या महत्व होता है। मैंने पहले ही बोला ना, जैसा जीव के कर्म होंगे उस वेग के अनुसार वैसी ही माँ पिता उसको मिलेगी। तो अगर शिवाजी के इस मुहूर्त की इंतजार जीजाबाई ने इस तरह की, दूसरी बात जो इतिहासकार नहीं बोल पाते हैं वो ये है कि उतनी ही तपस्या शिवाजी भी गर्भ में करते हैं। क्योंकि जब बच्चा जन्म समय हो जाए और उसको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है, क्या आप समझ सकते हैं उस बच्चे के लिए कितना कष्टकारी होगा। माँ और पुत्र दोनों के संजोग आपस में मिले हैं, इसीलिए वो उसके गर्भ में है। इसके बावजूद जीजा अपने संकल्प, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान और ज्योतिष के द्वारा मिली गई इस परामर्श पर उसने ये तपस्या करी और जन्म हुआ। और जन्म के साथ ही पूर्व की वासनाएं, पूर्व के कर्म तो साथ में होते ही हैं। इसीलिए ऐसे हालात भी बनते हैं। कोई मुझे बता रहे थे गायनोकोलॉजिस्ट के आजकल बहुत लोग ज्योतिषियों से पूछ के सिजेरियन से बच्चे को जन्म देते हैं। मुझे नहीं मालूम कि वो जिन ज्योतिषियों से पूछते हैं वो वास्तव में ज्योतिषी हैं भी नहीं, क्योंकि मैंने आपको दिया ना डेफिनेशन ज्योतिषी किसको कहते हैं। अगर वो वैसा है तो पॉसिबली इट डेफिनेटली इज गोइंग टू मेक द डिफरेंस। एक बड़ी मजेदार बात, इट्स अ फैक्ट, एक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड और एक समय पर एक ही बच्चे का जन्म होता है। जुड़वा भी जब पैदा होते हैं ना तो एक साथ नहीं होते, एक मिनट, छह मिनट, चार मिनट, दो मिनट मिनिमम डिफरेंस होता है। एक ही गर्भ में थे, एक ही दिन पैदा हो रहा है। कल बात हुई थी ना, चार मिनट में तो पूरी धरती घूम जाती, यहां 30 सेकंड में भी कितना अंतर पड़ जाता है। दिस सब्जेक्ट इज वेरी वास्ट। इसको हम कितना भी कैप्सूल फॉर्म में तुमको दे रहे हैं,
क्योंकि इससे ज्यादा तो देना संभव भी नहीं है। लेकिन ये अपने आप में बड़ा गहरा विज्ञान है। So we can say that your fate was already decided at the moment of your birth. अब ये बड़ी तकलीफ दे बात है पर सच। Your fate was decided at the time of birth. अब यहाँ एक बड़ा कंट्रोवर्शियल मुद्दा जो अक्सर मेरे पास करोड़ों बार लोगों ने प्रश्न के द्वारा पूछने की कोशिश करी है कि हमारे कर्म के हमारा भाग्य क्या जीतता है, फेट वर्सेस विल। इट्स लाइक अ डॉग टाइड अप विद अ लीश। हाउ फार कैन द डॉग गो? वेल, एज लॉन्ग एज द लीश इज। कुत्ता पटे के साथ चेन के साथ बंधा है। अच्छा मान लीजिए चेन 20 फीट लंबी, कुत्ता बंधा है, ये उसकी फेट है, ये उसकी किस्मत है, वो बंधा है, वो आदमी के कंट्रोल में है। लेकिन उसका पटा को 10 फीट या 20 फीट लंबा है, तो अब कुत्ते की फ्री विल क्या हुई कि इस 20 फीट में जितना चाहे घूम ले, 20 फीट से ज्यादा। चेन वो तोड़ के जा नहीं सकता। तो तुम्हारा मन वो कुत्ता है जो किस्मत की इस लीश से बंधा हुआ है। फेट वॉज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ बर्थ। वो तय हो गया कि इस जन्म में तुम किन किन कर्मों के फल को भोगोगे, इस जन्म में तुम किस किस भोग को प्राप्त करोगे, अथवा किस किस दुख को प्राप्त करोगे, अथवा कैसी कैसी घटनाओं को तुम्हें देखना पड़ेगा, वो सब सील हो गया, तय हो गया। फ्री विल क्या है? बस इसी में जितना घूम सकते हो घूम लो। हम उदाहरण फिर से देते हैं जो मैंने कल भी दी थी कि एक कुत्ता यहां कहो गन्नौर से दिल्ली पैदल ले जाया जा रहा है, रस्सी में बंधा है, रस्सी आदमी के हाथ में है, कुत्ते को साथ चलना पड़ रहा है, कुत्ता जाना चाहे ना जाना चाहे जाना ही पड़ेगा। तो कुत्ता घिसट घिसट के चले, रो रो के चले, हंस हंस के चले, चलना तो पड़ेगा क्योंकि मालिक दिल्ली जा रहा है। बीच रास्ते में कुत्ते को दिख गई ये कुतिया और उसकी जीभ बाहर आती है, कैसे मैं इसके पास चला जाऊं, तो वो खींचाता नहीं कर रहा है, मालिक ने पकड़ रखा है, वो खींचाता नहीं कर रहा है, मालिक तो छोड़ने वाला है नहीं, होएगा क्या? इसका गला दुखेगा, इसको कष्ट होएगा। तो कितनी भी वो जोर जबरदस्ती कर ले, वो रस्सी तो तोड़ नहीं सकता है, कुतिया तक जा नहीं सकता है, और कुतिया अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, कुत्ता अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों की मुलाकात हो ही नहीं सकती है। तो वो इधर रो रहा है, वो उधर रो रही। सब जीव अपने कर्म की लीश, कर्म की रस्सी से बंधे हुए है, कर्म खींच करके ले जा रहा है। तुम नहीं चाहते हो बहुत कुछ करना, फिर भी देखना पड़ता है, तुम नहीं चाहते हो बहुत कुछ भोगना, फिर भी भोगना पड़ता है, तुम नहीं चाहते हो कुछ कार्य करना, लेकिन तुम्हारी ही कर्म की वो फोर्स तुमको भोग दे रही है, तुमको खाने पड़ रहे हैं। अब इस बीच में भी तुम्हारा मन की लार टपकती है, ये हो जाए वो हो जाए, तो अब खींचातानी कर रहे हो, ये हो जाए वो हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए, खेचातानी करके सिर्फ तुम अपने आप को कष्ट देते। अच्छा अब दूसरी बात सुनो, एक कुत्ता बड़ा समझदार हो गया और उसने सरेंडर कर दिया अपने मालिक के आगे कि जहां ले जाएगा वहीं जाऊंगा। तो मालिक चल रहा है, कुत्ता चल रहा है, मालिक चल रहा है, कुत्ता चल रहा है। जब तक समझदार नहीं हुआ था ना, वो उधर कुतिया को देख रहा था, तो सामने आया खड्डा, कुत्ते को दिखा नहीं, वो खड्डे में भी गिर गया और चोटें लग गई उसको। मालिक ने फिर निकाल लिया बाहर, चल मेरे साथ। अब उसको मजबूरी में घायल में भी चलना पड़ा, पर अब कुत्ता हो गया समझदार, मालिक के साथ चल रहा है। इफ समबडी
in this assembly has a dog, knows this. When dog behaves properly, तो मालिक को बहुत जोर से खींचना नहीं पड़ता है, आराम से चलता है, दोनों आराम से चलते हैं. उसके गले में कोई जोरा अजमाइशी नहीं होगी, उसको भी तकलीफ नहीं होती. तो मालिक सोचो पहुंच गया दिल्ली, कुत्ता आराम से साथ चलता रहा, वो भी पहुंच गया दिल्ली. मालिक क्या कहता है, गुड डॉग, बड़ा आज्ञाकारी हो गया है, अब तेरे गले में रस्सी डालने की ज़रूरत नहीं है. वो उसके गले से रस्सी खोल देता है और कुत्ता अपनी इच्छा से अपने मालिक के साथ चलता है, क्योंकि अब मालिक को वो छोड़ता नहीं है, मालिक की आज्ञा में है, मालिक के साथ रहता है. मालिक को ये विश्वास हो गया है तो मालिक भी गले से रस्सी निकाल देता. अज्ञानी आदमी का मन वो कुत्ता है जो समझता नहीं है, अपने ही कर्म की भाग्य से वो लड़ता रहता है. मुझे ही क्यों, मुझे ही क्यों, मुझे ही क्यों, मुझे ऐसा बाप क्यों मिला, मुझे अच्छी शक्ल क्यों नहीं मिली, मुझे अच्छी अकल क्यों नहीं मिली, मैं फर्स्ट क्यों नहीं आता, मेरी अच्छी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, मेरी शादी अच्छे घर में क्यों नहीं होती है, मैं अमीर क्यों नहीं हूँ. तुम्हारा ये जो मन है ना कुत्ता, ये लड़ता रहता है अपने ही भाग्य से, इसलिए दुख पाता. साधु, संत, महात्मा हम किसको कहते हैं जो अपने इस भाग्य से लड़ना छोड़ देता है. और काल जिसके हाथ में रस्सी पकड़ी है वो उस काल के साथ अपना समझौता बना लेता है कि मेरे इस भाग्य में, इस जीवन में, इस शरीर से जो होना है सो होवे, मैं अब लड़ूंगा नहीं, मैं अब झगड़ूंगा नहीं. और कुत्ता, ये मन रूपी कुत्ता, समय के साथ जब चलने लग जाता है तो समय का भी मालिक है परमात्मा. तब हम ये भी कह सकते हैं कि जो मन परमात्मा के साथ मिल जाता है वो अपने भाग्य या अपने जीवन के साथ लड़ना छोड़ देता है. और इसके मन में जो मालिक के प्रति प्रेम और भावना और भक्ति जग जाती है, एक दिन परमात्मा समय के इस पट्टे को उसके गले से ही निकाल देते. इसी को हम कहेंगे मोक्ष हो गया. पर जब तक कुत्ता मालिक की सुनता नहीं है, मालिक को घसीटना भी पड़ेगा, मालिक को डंडे से पीटना भी पड़ेगा, तो तुम्हारा भाग्य तुम्ही को पीटता. लड़ते हो, झगड़ते हो, क्रोधित होते हो, परेशान होते हो, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ. यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट योर ओन डेस्टिनी विच यू क्रिएटेड वंस अपॉन अ टाइम. यू क्रिएटेड इट. आप तुम अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हो, समय भागने नहीं देगा. समय की शक्ति से कोई नहीं बच सका. एक छोटी सी उदाहरण देती हूँ. राम ने बाली को पेड़ के पीछे छुप के मारा था. फिर पुराण कहता है, शास्त्र कहते हैं कि राम ही कृष्ण हुए. राम का ही जन्म अगला कृष्ण रूप में हुआ और कृष्ण को द्वारिका के पास एक शिकारी ने तीर मारा जो उनके पैर में लगा था, जहर बुझा तीर था, जिसकी वजह से उनका शरीर गया था. शिकारी ने हिरण समझ के तीर चलाया था, लगा वो कृष्ण के पांव में. शिकारी आया अपने शिकार को लेने, सामने देखते हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण है. बड़ा घबराया, अरे क्या हो गया. कृष्ण ने कहा कुछ नहीं, हिसाब बराबर हो गया. मैं राम था, तू बाली था, तुझे मैंने छुप के मारा था, आज तूने मुझे, हिसाब क्लियर हो गया. तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, मेरा जाने का समय आ रखा है और तुम्हारे उस जो कर्म मैंने तुमसे किया उसके फल भोग का भी यही समय था. सो तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, तुमने कोई अपराध नहीं किया, तुमने मेरी हत्या भी नहीं की है, ये होना ही था, ये हो रहा है और अब तुम जाओ. आज श्री कृष्ण
समाधिस्थ हुए और समाधि अवस्था में अपने स्थूल शरीर से प्राण महाप्राण में विलीन किए, मन माया में विलीन किए। आत्मा तो ब्रह्म है ही, ना आई ना गई, तो किसको किस में विलीन करना था। योर डेस्टिनी वॉज सील्ड एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। आप देखिए, अंधेरे घर में कहीं कहीं किसी किसी छेद से रोशनी अंदर आ रही है। अंधेरे में भटक रहा आदमी भटकते भटकते उस बंद कमरे की कैद में है, उस किले में है, और अचानक एक जगह से वो रोशनी अंदर जो आ रही है, वो रोशनी उसके लिए एक कारण बन सकती है अगर वो उसको देख ले और फिर वहाँ अपनी आँख लगाए और फिर उसी छेद को वो यतन से खोद खोद के बड़ा करता जाए, बड़ा करता जाए, बड़ा करता जाए, तो इस किले से बाहर आ जाएगा, कैद से मुक्ति हो जाएगी। कर्म के इस फांसी में फंसे हुए जीव को अब किंचित पुण्य कर्म जरूर चाहिए, उन पुण्य कर्मों के बगैर नहीं होगा, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसे पल, ऐसे मौके, ऐसे अवसर जीव को मिलते हैं जहां ज्ञान की रोशनी उस तक पहुंचती है, लेकिन अगर उस ज्ञान की रोशनी का स्रोत वह संत के साथ उसका सही सही संबंध ना बना तो मौका गया हाथ से, गॉन। फिर कब आएगा पता नहीं। पिछले कई जन्म तुम अपने कर्मों को भोगते हुए, नए कर्मों को करते हुए इस जन्म तक पहुंचे हो। अब सत्संग, गुरु, तुम्हारे मन की इस किले की अंधेरे में रोशनी की किरण को फैला रहा है। मैं पहले कह दूं, पुण्य कर्म नहीं होगा, यहां तक नहीं आ सकता है, वो पहुंच ही नहीं सकता।